देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 2000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2483 नए मामले सामने आए, जबकि 1970 लोग डिस्चार्ज हुए। दरअसल देश में लगातार चौथे दिन 2000 से अधिक केस मिले हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को 2527 केस, 23 अप्रैल को 2593 और 24 अप्रैल को 2541 नए मामले सामने आए थे। आज देश में 2483 नए केस मिले हैं। संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। आसिफ, आपसे जानेंगे, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना कि खतरनाक नहीं है ये वक्त, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कमल, मैं आपको बता दूं कि बीते सोमवार दिल्ली में लगभग 1011 नए कोरोना केस सामने आए थे, जो कि पिछले 24 घंटे में, हम आपको बता दें कि रविवार को 1083 केस कोविड के सामने आए थे, जिसमें कहीं ना कहीं 24 घंटे में मामूली तौर पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन डॉक्टर जो है इसको लेके कहीं ना कहीं एक बार फिर से और एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से लोगों को कोरोना के प्रति आगाह किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही हम लोगों को देखेंगे किस तरह से, क्या जागरूक हैं पूरी तरह? जी हाँ, एक बार जिस तरीके से कोरोना फिर अपने पैर पसारता जा रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं स्थिति फिर बेहद चिंताजनक हो रही है। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल AIIM में भी फिलहाल 2 वार्डों को कोविड के रूप में दोबारा से स्थापित किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हो या अन्य विभागों, वो भी एक बार फिर से मास्क को लगाने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को फिर से जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में भी सतर्कता देखी जा रही है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 15,336 अब तक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।